नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को हर कोई अपने अपने तरीके से विरोध कर रहा है। देश के लोगों में इस घटना को लेकर काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। सिद्धार्थनगर जिले में भी लोगों ने चीन का विरोध किया। जिले के जोगिया चौराहा पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूर्वी लद्दाख गलवान घाटी में चीनी सैनिकों द्वारा 20 भारतीय सेना के जवानों के शहीद होने पर चीनी राष्ट्रपति का पुतला फूंका और जूते चप्पलों से पीटकर आक्रोश जाहिर किया। वहीं चीन सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए और चीन निर्मित सामानों का बहिष्कार करने का भी शपथ लिया। लोगों ने अपना विरोध जताते हुए चौराहे पर भारी संख्या में मौजूद रहे। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि जोगिया कौशलेंद्र त्रिपाठी ने देश की जनता से आह्वान किया कि चीनी सामानों का विरोध कर उसके आर्थिक स्थिति को कमजोर किया जा सकता है। वहीं जिस तरह भारतीय सैनिकों को पीछे से चीन वार कर मौत के घाट उतार दिया, देश के प्रधानमंत्री को उसे उसी तरह जवाब देना चाहिए, तभी देश के हर नागरिकों को संतोष होगा। पेश है सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की खास रिपोर्ट। जी सर, आज चीन का पुतला फूंका जा रहा है, ये क्यों फूंका जा रहा है, क्या कारण है इसका? चीन से विश्वासघाती रवैये के कारण जो सीमा पर तनाव बढ़ा और उनके सैनिक हमारे सीमा रेखा में घुसने का प्रयास किए और पीछे से वार करके हमारे बीच जवानों को अभी तक उन्होंने शहीद किया, उसके लिए पूरी जनता आक्रोशित है और पूरी जनता यह चाहती है चीन को उसी तरीके से सबक सिखाया जाए जिस तरीके का विश्वासघात उसने किया है। ये चीन का जो सामानों का बहिष्कार करने की बात कह रहे हैं आप लोग, ये कहाँ तक पब्लिक मानेगी, कुछ अंदाजा है? देखिए, हर राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र से अपना संधि रहता है, लेकिन हमारा दायित्व है कि हम विदेशी जो भी सामान है, जो हमारे दुश्मन के विदेशी सामान है, उसका बहिष्कार करें जिससे उनके आर्थिक स्थिति को चोट किया जा सके और अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करके देश को सशक्त बनाया जा सके।